हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब? सभी के एग्जाम्स नियर आ चुके हैं और सारे काफी जोरों शोरों के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए हैं ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके। आपके इसी गोल को पूरा करने के लिए हम भी आपके साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिले और आप अच्छा स्कोर कर सके। अभी तक आपको ऑडिटिंग, कंपनी लॉ, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कुछ सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल चुकी होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना इनकम टैक्स का सब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, जो आपका बीकॉम एसक्यूएल सेकंड ईयर में है, इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग, उसमें से इनकम टैक्स का आज सब्जेक्ट उठाया है। इसके मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम से पहले फिनिश कराऊंगा, बिकॉज उसमें से आपका 15 से 20 नंबर का पेपर कवर होगा। तो होप करता हूं आपका काफी अच्छे से समझोगे और अपने 15 से 20 मार्क्स यहीं सिक्योर करके चलोगे। तो गाइज, अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो मीनिंग क्लियर करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास, उससे क्या इनकम हो सकती है आप खुद ही बताओ। आपके पास एक घर है, उससे आप कैसे इनकम कर सकते हो? ऑब्वियसली बात है, आप उसको रेंट पे दे दोगे, किराया आएगा, वही आपकी इनकम होगी। ठीक है, अब बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैसे कंप्यूट करेंगे, यानी कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारी टोटल इनकम कितनी हुई। तो उसके लिए एक जर्नल सा, मतलब कैसे क्या क्या होना चाहिए, एक्चुअल में हम ये नहीं करते पर जर्नल देखो क्या क्या होना चाहिए। एनुअल रेंट, आपको कितना रेंट आपको मिल रहा है पूरे साल में, उसमें से आप क्या क्या माइनस करोगे। माइनस करोगे हाउस टैक्स। हाउस टैक्स यानी कि कोई टैक्स वगैरह पे करना होता है हाउस पे, वो आपको पे करना है। माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यानी कि आपने उस हाउस को बनाने में, परचेज करने में कोई लोन लिया था, उसका आपको इंटरेस्ट देना है, वो आप इसमें से माइनस कर सकते हो। आपको कलेक्शन चार्जेस, यानी कि आपको रेंट वगैरह कलेक्ट करने में कोई चार्जेस पे करने पड़ गए, आप वो माइनस कर सकते हो। कोई आपने रिपेयर वगैरह कराई, रिपेयर मेंटेनेंस, वो आप माइनस करोगे। तो जितने भी आपके एक्सपेंस है वो आप माइनस करके इनकम में से, फिर जो आपका नेट बचेगा वो आपका क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर जनरल देखा जाए तो ये भी आपका ठीक है, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, जो आपकी टोटल इनकम हो रही है उसमें से जो जो एक्सपेंसिस है उसको माइनस कर दो तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी कितनी है। बट हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, हम ऐसा अपनी अकाउंटिंग में नहीं करेंगे। अब देखो हमें कैसे करना है। ग्रोस एनुअल वैल्यू, ये हमारा पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है, इससे हम ऐसे चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है, एक बार आप देख लो क्या क्या मतलब है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ग्रोस एनुअल वैल्यू, ये मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा होता क्या है। ग्रोस एनुअल वैल्यू आप जैसे निकालोगे उसमें से आपको माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस कौन से, ये जो अभी हाउस टैक्सेस बताया ना, यही आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्सेस लिखा हो या हाउस टैक्सेस, एक ही मतलब है। बट यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ओनर ने पे कर रहे हैं तभी आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस यहाँ पे माइनस होंगे, अदरवाइज आपके माइनस नहीं होंगे। तो उसको माइनस करोगे ग्रोस एनुअल वैल्यू में से तो आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस सीधा करना है 30% फ्लैट डिडक्शन है, यानी कि जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगी ना, इसका 30% आपको सीधा माइनस करने को दे दिया। क्यों करने को दे दिया, उन्होंने बोला भाई कोई भी अलग से रिपेयर्स नहीं दिखाओगे, कोई कलेक्शन चार्जेस नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस नहीं, अपना सीधा 30% इसका माइनस कर दो, जो भी एक्सपेंस हुआ, चाहे कम हुआ चाहे ज्यादा हुआ, हमें नहीं पता, हम तो आपको सीधा 30% का डिडक्शन दे रहे हैं, सीधा इसमें से 30% काट दो। ठीक है गाइस, 30% काटने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी माइनस करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो गाइज ये हो गया आपका फॉर्मेट, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं हाउसिंग लोन का मतलब क्या होता है। हाउसिंग लोन का मतलब है आपने कोई भी लोन लिया है हाउस को परचेज करने के लिए, या फिर हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर रिपेयर करने के लिए, यानी कि हाउस में कोई भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करानी है उसके लिए कोई भी लोन लिया है, या फिर आपने
उस लोन को रिपेमेंट करने के लिए लोन लिया है जो कि आपने पहले लिया था हाउस को परचेज कंस्ट्रक्ट या रिपेयर करने में। इस दोबारा सुनो, यानी कि आपने कोई भी पहले हाउसिंग लोन लिया था उसको पे करने के लिए अगर आप दोबारा लोन ले रहे हो ना, तो उस लोन को भी हाउसिंग लोन ट्रीट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि जो आपने कोई पहले लोन लिया था उसको पे करने के लिए अगर आप दोबारा लोन ले रहे हो, तो उस दूसरे वाले लोन को भी हाउसिंग लोन ट्रीट किया जाएगा और उसके इंटरेस्ट को भी यहाँ पे हम डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया हाउसिंग लोन का मतलब। आप बता दूं आपको गाइज, मैंने आपके 5 कैटेगरीज में आपका चैप्टर को डिवाइड किया है, तो एक एक कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट के साथ अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करता हूं फर्स्ट कैटेगरी के साथ। तो गाइज ये आपकी कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो आपका हाउस है वो आपका 12 मंथ्स के लिए क्या होगा, 12 मंथ्स के लिए आपका रेंट पे होगा। ठीक है, एक भी महीने के लिए वैकेंट नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें आपको ये वाली सारी चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, अनरियलाइज रेंट, हाउस टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अब आप कहोगे सर इन चीजों का तो आपने कुछ बताया नहीं, मतलब हाउस टैक्स और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन तो पता है, इनमें से तो कुछ नहीं पता। अब आपको पता है हमें सबसे पहले क्या फाउंड आउट करना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू, तो उसी को निकालने में इन सब की जरूरत पड़ेगी। हमारा फॉर्मेट देखो, हमारा क्वेश्चन होगा हमारे फॉर्मेट से, तो हमें अपना फॉर्मेट याद रखना है। क्या क्या, सबसे पहले हमें निकालना है ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे अपना म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या है, वही जो हाउस टैक्स है, तो वो कितना है, 7500। क्या लिख दूं यहाँ पे 7500? नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था जो ओनर ने पे करा है भाई साहब वही आएगा। तो ओनर ने कितना के पे करा है, 60%। तो 7500 का 60% कितना हो जाएगा, 4500। तो बस यही माइनस होगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा एनएवी। एनएवी में से माइनस करना है 30% फ्लैट डिडक्शन, और फिर माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना हमारा, 46000, तो ये भी हम माइनस कर देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा आगे देखो, फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि सारी बातें कहां पे एडी हुई है, जीएवी पे, ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब हम देखते हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है। ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी निकलेगी एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और एनुअल लेटिंग वैल्यू। ठीक है, इन दोनों में से जो हाइयर होगा ना वो आपका क्या होगा, वो आपका जीएवी होगा। इन दोनों में से जो हाइयर होगा वो आपका होगा जीएवी। अब बात आती है ये दोनों कैसे निकलेंगे। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल के असली में हमें कितना रेंट रिसीव होना चाहिए था, यानी कि हम कितने रेंट रिसीव करने के योग्य हैं। तो इस क्वेश्चन में बताओ आप जरा, 12 के 12 महीने के लिए आपका किराए पे था कमरा, और 1 महीने का किराया था 15000, तो टोटल कितना हो गया, 1,80,000 रुपये। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आपका होता 1,80,000, बट एक लाइन दे दी क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या लिखा देखो, अनरियलाइज रेंट 8,000 रुपये, यानी कि उस 1,80,000 में से 8,000 रुपये ऐसे हैं जो कि अनरियलाइज है। अनरियलाइज मतलब जो कि आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको नहीं मिल पाएंगे तो वो क्या एक्चुअल में रेंट रिसीवेबल हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि रेंट रिसीवेबल का मतलब है जो आपको मिल जाए, यानी कि मिलने के योग्य है, पर वो 8,000 तो आपको मिलने के योग्य है ही नहीं, अनरियलाइज है वो। तो इसका मतलब हम अनरियलाइज को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो पूरे 1,80,000 में से अगर आप 8,000 माइनस कर दो तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आपका आ जाएगा 1,72,000। तो ARR, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, क्या आगे हम ये यूज करेंगे, ARR एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और ALV एनुअल लेटिंग वैल्यू। तो देखो ARR हमारा कैसे आ गया, 12 महीने थे और 1 महीने का किराया था 15,000, हमारा 1,80,000 आंसर आ जाता, बट इसमें से हमें माइनस करना होता है अनरियलाइज रेंट, अगर कुछ दिया हो तो, जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, दिया हो तो माइनस कर देना, नहीं तो ये कहिए लिख देना। तो अब 1,80,000 में से माइनस कर दो 8,000, तो आपका ARR आ गया 1,72,000। अच्छा हाँ, ARR तो आ गया, बस अब अगर हमारा ALV और आ जाए ना भाई, क्वेश्चन खत्म हो जाए। अच्छा
ठीक है, तो अब एएलवी देख लेते हैं, एएलवी निकालना देखते हैं, एनुअल लेटिंग वैल्यू, वो आपका निकलेगा कैसे, वो आपका निकलेगा म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इनमें से जो हायर होगा इनका हायर, और स्टैंडर्ड रेंट, इनका हायर और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों का लोअर, बस ये आपका क्या हो जाएगा एएलवी। अच्छे से समझना, एएलवी क्या है, मार्क म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों का हायर, और इन दोनों का जो हायर आएगा और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों का लोअर। तो अब देखो आपका क्या क्या चीज क्या क्या दिया हुआ है, देखो म्यूनिसिपल वैल्यू आपकी 1.5 लाख और फेयर रेंट है 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है 1.75, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.75। तो म्यूनिसिपल वैल्यू आपकी 1.5 लाख, 1.5 लाख, और फेयर रेंट है आपका 2 लाख, तो कौन सा हायर है, 2 लाख हायर है जी। अच्छा, और स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट था आपका 1,75,000 यानी कि 1.75 लाख, इसमें से कौन सा लोअर है, 1,75,000, तो बस 1,75,000 हो गया आपका एएलवी, इतना सिंपल था और क्या। अब देखो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आया आपका 1.72 और एएलवी आया आपका 1.75, इन दोनों में से कौन सा हायर, 1.75, तो बस आपका जीएवी कितना हो गया, 1.75। तो अब अपना क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर दो 1,75,000, देखो यहाँ पे 1,75,000, अब इसको हटा दो, 1,75,000 में से 4,500 माइनस करो तो आपका कितना आएगा एनएवी, 1,70,500। अब अगर आप इसका 30% माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 51,150। अब 51,150 और 46,000 दोनों को माइनस कर देना इसमें से, ये आपका आ जाएगा 97,150 और ये आपका आ जाएगा 73,350, 73,350 आ जाएगा, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस ये आपका क्वेश्चन था यार, सिंपल सा, ठीक है। तो होप करता हूं आपको अच्छे से क्लियर होगा होगा कैटेगरी फर्स्ट। अब बात करते हैं कैटेगरी सेकंड की। तो गाइज ये हमारे कैटेगरी टू का क्वेश्चन, इस वाले में और कैटेगरी फर्स्ट में क्या फर्क है, कैटेगरी फर्स्ट में पूरे 12 महीने के लिए आपका क्या रहता है, 12 महीने के लिए लेट आउट, बट इसमें कुछ पीरियड के लिए लेट आउट और कुछ महीने के लिए वैकेंट रहता है। तो हमने माना है 7 महीने के लिए आपका लेट आउट था और 5 महीने के लिए आपका वैकेंट था, और रेंट आपका 20,000 रुपए पर मंथ, और ये आपको कुछ चीजें गिवन है। तो अब निकालते हैं सबसे पहले जीएवी, अब तो आपको पता ही है, बट सेकंड कैटेगरी में जीएवी में हल्का सा चेंजेस है, क्या चेंजेस है, फर्स्ट वाले में बताओ जीएवी कैसे निकाली थी, फर्स्ट वाले में हमने जीएवी निकाली थी, यहां पे निकालते हैं, फर्स्ट वाले में जीएवी कैसे निकाली थी, एएलवी और एआरआर, इन दोनों में से जो हायर होगा, तो सबसे पहले तो एएलवी फाइंड आउट कर लो, वो तो यहां पे भी फाइंड आउट होगी। एएलवी कैसे निकाली थी, देखो सीधा निकालेंगे, अब हमें सब आ गया, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों का क्या बोला था, हायर, तो 2,10,000 और 2,50,000 में से कौन सा हायर है, 2,50,000, और जो हायर है और स्टैंडर्ड रेंट उनमें से लोअर, तो 2,50,000 और 2,70,000 में से कौन सा लोअर, 2,50,000, तो एएलवी तो आ गई हमारी 2,50,000, है ना। अब बात आती है हमारे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल की, एआरआर, एआरआर हमारा कितना है, अब देखो एआरआर मैंने क्या बताया था आपको कि हमें कितना रेंट मिलेगा, कितने रेंट मिलने योग्य है, तो इस बार ये बताओ कि आपको पूरे 12 महीने का रेंट मिलेगा, नहीं 5 महीने का तो आपका खाली ही था, तो इस बार आपको रेंट मिलेगा खाली 7 महीने का। तो अब आप ये बताओ अगर आप यहाँ पे आप 7 महीने का रेंट लोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कंपैरिजन गलत नहीं हो रहा, एएलवी और एआरआर का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और एएलवी तो लेते हैं हम पूरे साल की, क्योंकि ये जो पूरे साल के रेंट होते हैं ये एएलवी लेंगे हम पूरे साल की और एआरआर लेंगे हम 7 महीने का, तो एक तरह से गलत कंपैरिजन हो जाएगी, इसलिए इसमें जीएवी की थोड़ी अलग सी ट्रीटमेंट क्या होती है, यहाँ पे हमें एआरआर है ना पूरे 12 महीने के लिए निकालना है, यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पूरे 12 महीने का लिखना है, अदर वो आपको भी पता है कि 12 महीने का रेंट नहीं मिलेगा, रेंट कितने महीने का मिलेगा, 7 महीने का, पर फिर भी आपको पहले 12 महीने का एआरआर निकालना है, तो पहले 12 महीने का निकालो, कितना आएगा आपका 20,000 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना होगा 2,40,000, तो 2,40,000, और उसमें से हम क्या माइनस करते थे, अनरियलाइज रेंट, वो अभी भी माइनस करो आप, अनरियलाइज रेंट कितना है 1 महीना, तो 1 महीना
देखो कितना, 1 महीना का 20,000, तो 1 महीने का 20,000, तो 2,40,000 में से माइनस करोगे आप 20,000, तो आपका कितना आ जाएगा, 2,20,000। तो ARR आ गया आपका 2,20,000। तो बताओ 2,50,000 और 2,20,000 में से कौन सा हाइयर, कौन सा हाइयर है, 2,50,000। तो 2,50,000। अब आप कहोगे यही तो करते थे हम फर्स्ट वाले में, बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तक बिल्कुल सेम वही डिट्टो कर रहा है जो कि हम करते थे फर्स्ट कैटेगरी में जीएवी निकालने के लिए। बस इसमें क्या होगा, आगे हल्की सी चीज की आएगी जो ये आ जाएगा ना, इसके बाद आपको क्या माइनस करना है, जो आपका इसके बाद आपको माइनस करना है जो आपका वैकेंट पीरियड है, वैकेंट पीरियड का जो आपका रेंट है, तो वैकेंट पीरियड आपका कितना था, 5 महीने। तो 1 महीने का अगर 20,000, तो 5 महीने का कितना, 1 लाख। तो 1 लाख इसमें से माइनस कर दो, 2.5 लाख में से 1 लाख गया, 1.5 लाख। बस 1.5 लाख आपकी क्या आ गई, जीएवी। कितनी आ गई जीएवी, 1.5 लाख। तो बस अब इस 1.5 लाख को जीएवी मानकर क्वेश्चन कर दो। ये देखो सिंपल सा यार, जीएवी आपकी कितनी आ गई, 1.5 लाख। माइनस क्या करना है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है, 6,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है, 6,000। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ लिखा है किसने पे करा है किसने नहीं करा, तो यानी कि सारा का सारा किसने पे करा है, ओनर ने। तो 1,50,000 में से 6,000 का कितना बचा, 1,44,000। 1,44,000 में से फिर हमने क्या बोला था, ये हमारी आ गई नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से फ्लैट 30% माइनस कर दो, फ्लैट 30%। इसका 30% कितना होगा, 43,200, ये माइनस कर दो। और माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना आपका, 35,000, तो ये भी माइनस कर दो। तो इनको माइनस करने पे आपका आंसर कितना आएगा, इनको माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 40, 30, 70, 78,200, 78,244, 21, 65, 65,800, 65,800 आपका इसका आंसर आ जाएगा कितना, 65,800। ये आपका क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 65,800। फिर से देख लो यहाँ पे, बस हल्का सा सीन क्या था, आपको बस ये याद रखना है ARR है ना, यहाँ भी हमें पूरे साल का लेना है पहले, उसको छोड़ दो चाहे आपका पीरियड वैकेंट हो 5 महीने के लिए, कितने महीने के लिए भी, ठीक है। आपको पहले पूरे 12 महीने का लेना है, जैसे कि आपने फर्स्ट कैटेगरी में लिया था पूरे 12 महीने का, और वैसे ही अनरियलाइज रेंट भी माइनस करना है। बस इस कैटेगरी में फर्क क्या आएगा, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में डिफरेंस ये है, जीएवी निकालने का यहां तक तो बिल्कुल सेम निकलेगा, देखो यहां तक तो बिल्कुल सेम है, बस इसमें एंड में क्या चीज माइनस होगी, जो वैकेंट पीरियड है उसका रेंट, बस इतनी सी बात तो याद रखनी है, वो माइनस कर देना, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन हो जाएगा पहले की तरह, ठीक है। तो होप करता हूं मैं आपको दो कैटेगरी अच्छे से समझा पाया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने कैटेगरी नंबर थर्ड की तरफ। तो अब देखो गाइस, ये हमारी कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी थर्ड में क्या आपका, इसमें कुछ पीरियड आपका लेट आउट होता है और कुछ पीरियड आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। इट मींस कुछ महीने तो आपने किराए पे दे दिया और कुछ महीने आप खुद ही रहने लग गए। अच्छा हाँ, तो इस केस में देखो अब आपको कैसे करना है, 10,000 पर मंथ का आपका रेंट है और वही सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब फिर से वही, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है जीएवी। आज तो पूरा सीख जाएंगे जीएवी कैसे निकलता है। तो जीएवी अब जल्दी जल्दी से बता दो जीएवी। अब देखो क्या क्या दिया हमें, म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट 1,15। तो 1 लाख और 1,15 कौन सा ज्यादा, हायर कौन सा है, 1,15,000। अब हायर और स्टैंडर्ड रेंट, 1,15,000 और 1,30,000, इन दोनों में से कौन सा लोअर है, 1,15। तो हमारी ALV तो कितनी आ गई, 1,15,000 आ गई, बिल्कुल आ गई। अब बात करते हैं ARR यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो इस बार हमें एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है, बस अब आपको क्या याद रखना है, कैटेगरी थर्ड में इसमें आपको ARR उतना ही लेना है जितने पीरियड के लिए आपका लेट आउट था। अब आप हो गया ऐसा क्यों, अब जैसा रूल बनाया है। सेकंड कैटेगरी में आपका क्या था कि आपको पूरे के पूरे 12 महीने का ARR लेना था। फर्स्ट वाले में भी क्या था, आपको पूरे 12 के 12 महीने का ARR लेना था। फर्स्ट वाले में तो चलो नॉर्मल है क्योंकि उसमें तो पूरे 12 महीने के लिए ही किराए पे था, तो उसमें तो पूरा लेंगे। और सेकंड वाले में भी कुछ महीने के लिए वैकेंट रहता है, पर फिर भी हम स्टार्टिंग में ARR पूरा लेते हैं और बाद में माइनस कर देते हैं एंड में वैकेंट पीरियड का। पर इस केस में आपको क्या करना है, थर्ड वाली कैटेगरी में ARR लेंगे, वो भी कौन से पीरियड का, बस जिस महीने के लिए लेट आउट है।
तो कितने महीने के लिए लेट आउट है? 5 महीने के लिए। तो 10,000 को 5 से गुना करो कितना आएगा आपका? 50,000। तो यहां पे लिख लो आप 50,000। अब देखो एएलवी और एआरआर में से कौन सा हायर? अब आप कहोगे इसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं करा। अरे वो तो हम करते हैं, पर अनरियलाइज रेंट दिया ही कहा है क्वेश्चन में। देखो ना, अनरियलाइज रेंट जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन में दिया होगा। अगर देते तो अनरियलाइज रेंट तो माइनस करते यहां पे, ठीक है, उसकी टेंशन मतलब वो माइनस होता। बट इस केस में बस आपको यही याद रखना है कि एआरआर आप जो लोगे वो आप लोगे लेट आउट पीरियड का ओनली, ना कि पूरे 12 महीने का। दोबारा सुन लो, पहले दोनों कैटेगरी में पूरे 12 महीने का लेना है, पर कैटेगरी थर्ड में ओनली लेट आउट पीरियड का। तो अब इसका हायर कितना आएगा? 1,15,000। तो हमारी जीएवी आ गई कितनी? 1,15,000। बस अब जीएवी आ गई 1,15, जीएवी लिखो 1,15,000। माइनस क्या करोगे? म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने दिए हुए हैं? 15,000। 15,000 माइनस कर दो भाई साहब, कितना आ गया? 1,00,000। 1,00,000 में से 1,00,000 हमारा क्या गया? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं? 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस कर दो। माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना है? 20,000, ये भी माइनस कर दो। तो 1,00,000 में से 50,000 का कितना बचा? 50,000। ये आपका क्या आ गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इतना सिंपल, और हाँ इतना सिंपल है भाई। कैटेगरी थर्ड आपकी और भी सिंपल थी। तो तीन कैटेगरी हमने क्लियर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने कैटेगरी नंबर 4 की तरफ। गाइज फोर्थ कैटेगरी में आपको बताते हैं, फोर्थ कैटेगरी में आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है 12 के 12 मंथ्स के लिए। यानी कि फोर्थ कैटेगरी में आपका एक भी मंथ ऐसा नहीं होता जिसमें आपका लेट आउट होता है। पूरे 12 महीने आप खुद ही रहते हो उसमें। आप कहते हो कि भाई हम नहीं दे रहे एक भी महीना किराए पे, हम खुद ही रहेंगे। तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अब बात आती है क्वेश्चन करने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या करते हो? जीएवी फाइंड आउट करते हो। अब जीएवी के लिए आप एएलवी तो निकाल लोगे, एनुअल लेटिंग वैल्यू तो आप इससे निकाल लोगे। बट जब बात आएगी एआरआर की, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल की, तो वो तो इस बार निकल ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है ना, जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो, लेटिंग वैल्यू कोई लेट आउट होगा ही नहीं कोई भी, तो आपका एआरआर निकल ही नहीं सकता। और अगर एआरआर नहीं आ सकता तो आपका जीएवी नहीं निकलेगा। तो जीएवी आपका क्या होगा? निल। तो याद रखो, जब भी फोर्थ कैटेगरी के क्वेश्चन आए, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पूरे 12th मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो उसमें जीएवी भी क्या आएगा? आपका निल। इसलिए अगर जीएवी निल है तो आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस भी नॉट अलाउड है, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी माइनस नहीं करना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। तो आपका एनएवी क्या आएगा? एनएवी भी आपका निल आएगा। और इसमें से अगर एनएवी निल है तो आप इसमें से 30% डिडक्शन भी माइनस नहीं कर सकते। तो बस इस केस में आप क्या करते हो? माइनस करते हो अपना इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ओनली इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन माइनस करोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे फिर ये तो हमारा नेगेटिव में आएगा। जी हाँ, कोई बात नहीं, आने दो। तो इस हमेशा याद रखो, फोर्थ कैटेगरी में आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव में। क्यों आएगा? क्योंकि सब चीज नील होती है। ओनली जो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का होगा ना, वही अमाउंट आपका आएगा नेगेटिव में। अब बात आती है क्या सारा का सारा होता है इसमें? नहीं, इस केस में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे भी लिमिट है। अच्छा, लिमिट है आपकी पूरी कितनी? 30,000। 30,000 की आपकी मैक्सिमम लिमिट है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की। तो अब आपको क्या करना है इसमें? अब आपको इसमें बस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना ले सकते हो आप? ओनली 30,000। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 30,000। अब आप कहोगे क्या क्या कुछ हो सकता है क्या यार, ये 30,000 की लिमिट बढ़ नहीं सकती? बिल्कुल बढ़ सकती है। बट इसके लिए आपको क्या करना है? मैक्सिमम लिमिट अगर आपको 30,000 से आपको 2,00,000 करनी है, जी हाँ, पूरी मैक्सिमम लिमिट 30,000 से आपकी कितनी हो जाएगी? 2,00,000। पर उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। आपको 4 कंडीशन पूरी करनी है। अगर चारों की चारों सेटिस्फाइड है तो आपकी 30,000 की बजाय मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी? 2,00,000। तो अब देखो वो 4 कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? आपने जो हाउसिंग लोन लिया है वो आपने 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया हो। सेकंड कंडीशन आपकी, आपने जो हाउसिंग लोन लिया है वो आपने परचेज के लिए लिया हो या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि आप हाउसिंग लोन तो आप रिपेयर के लिए भी ले सकते हो, आप रिपेमेंट के लिए भी ले सकते हो। पर अगर उनके लिए लिया ना, तो भाई लिमिट तुम्हारी 30,000 ही रहेगी। देखो
अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी है, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 साल के अंदर अंदर, और पहले ये लिमिट पता है कितनी थी, 3 साल, अब ये बढ़कर 5 साल हो गई है, अपडेटेड है, तो 5 साल की लिमिट हो गई है कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर लोन लिया है तो 5 साल के लिए आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब 5 साल कहां से शुरू होंगे, देखो अगर आपने मान लो लोन लिया है 31 अक्टूबर 2006, तो इसका ईयर एंड बताओ, पहले इसका ईयर एंड कब होगा, इसका ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च 2007, क्योंकि ईयर एंड कब होगा इसका, 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007, यही ईयर है ना, तो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2007, तो ईयर एंड से 5 साल जोड़ो, तो 31/3/2012, जिस दिन से लोन लिया उस दिन से 5 साल नहीं जोड़ते, जिस दिन लोन लिया उस साल के एंड से 5 साल जोड़ते, तो उस साल का एंड आ गया 31 मार्च 2007, उसके 5 साल कितने हो गए, 31/3/2012, तो 31/3/2012 तक उसको अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा लेनी है, तीन कंडीशन। और चौथी कंडीशन है कि बस उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई मैं ना अपने इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का अगर सर्टिफिकेट है, अगर वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी लिमिट हो जाएगी 2 लाख। मान लो इस केस में वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इस केस में लिमिट हो जाती है उसकी 2 लाख, और अगर मैक्सिमम लिमिट 2 लाख हो गई तो वो पूरे का पूरे 35,000 इस बार क्लेम कर सकता था, है ना, तो फिर उसका 35,000 आ जाता आंसर 35,000। समझ आ गया। तो गाइज ये थी आपकी कैटेगरी 4, अब हम बढ़ते हैं अपनी कैटेगरी 5 की तरफ। तो गाइज अब आपके बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी की। फिफ्थ कैटेगरी में क्या होता है, असेसी के पास एक से ज्यादा हाउस रहते हैं, और वो पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई मेरे है ना सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं सब में खुद रहता हूं, तो कोई भी रेंट पे नहीं दिया हुआ, तो मेरी कोई भी इनकम नहीं है। अच्छा ये पता है ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें इनकम पे टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि अगर हम खुद रहेंगे तो इनकम आएगी नहीं। इनकम कैसे आएगी, क्यों अभी आपने कैटेगरी 4 में देख ही लिया, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इनकम आएगी आपकी नेगेटिव में, और भाई साहब नेगेटिव आएगी तो चलने दो काम, आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या बोलता है, भाई तीनों घर में खुद ही रहता हूँ, सुबह यहाँ रहता हूँ, दोपहर में यहाँ पे रहता हूँ, शाम को यहाँ पे रहता हूँ। मजे करेगा हमारे साथ। सरकार कहती है हम भी बहुत चालू हैं, सरकार कहेगी अगर कोई भी अगर ऐसा बंदा है ना तो उसके लिए क्या होगा, उसको बोल देंगे एक घर को छोड़ के, एक घर को छोड़ के बाकी के उसके क्या मान लिए जाएंगे, डीम्ड लेट आउट, मान लिया जाएगा वो लेट आउट है। डीम्ड लेट आउट का मतलब क्या है, मान लिया जाएगा वो लेट आउट है, चाहे वो लेट आउट हो असली में चाहे ना भी हो तो भी मान लिया जाएगा वो लेट आउट है। बस एक घर की छूट दी है सरकार ने कि एक घर भाई तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, बाकी तुम्हारे क्या मान लिए जाएंगे, डीम्ड लेट आउट। बस अब बात ये आती है कि तीनों में से कौन सा घर डीम्ड लेट आउट माने और कौन सा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें आपको एक क्वेश्चन अब करना है। तो सबसे पहले तुम ये मान के चलते हमारे तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब देखो अगर मान लो तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपका क्या आंसर आएगा, आपको पता है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीए भी नील, एनए भी नील, बस ओनली क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का अमाउंट है वही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है नेगेटिव अमाउंट से। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीधा लिख रहा हूं मैं, कैसे आएगी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का माइनस करना है, पर लिमिट का याद रखना है, हाँ लिमिट का याद रखना भाई। तो अब फर्स्ट केस में देखो लिमिट वैसे हमारी कितनी है, 30,000, अब देखते हैं क्या ये 2 लाख की लिमिट पूरी कर पा रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो पूरी कर रहा है, 99 से 2000 के बीच में ले रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 1999 के बाद ले रहा है, फर्स्ट कंडीशन पूरी। हाउसिंग लोन ले रहा है परचेज के लिए, सेकंड कंडीशन भी पूरी। और अगर परचेज की बात आ गई यानी कि कंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं है तो 5 साल की तो बात आती नहीं, तो थर्ड कंडीशन भी पूरी। और फोर्थ कंडीशन क्या है लास्ट, के सर्टिफिकेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का है हमारे पास, तो वो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलते हैं वो हमारे पास है। तो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इस केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई, 2 लाख, पर मैक्सिमम लिमिट भले ही 2 लाख हुई है पर अगर टोटल इंटरेस्ट ही 80,000 है तो 80,000 ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, तो 80,000 रुपए पूरे के पूरे इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज की हो जाएगी, वो भी नेगेटिव अमाउंट से। दूसरे केस में अगर मानता है, इसमें तो ये दो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा, 97-98 में ले लिया उसने लोन और लेना था 99 के बाद, तो इस केस में तो भाई उसकी लिमिट कितनी रह गई, बस 30,000, तो इस बार बस मिलेगा इंटरेस्ट 30,000,
तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 30,000 नेगेटिव। और थर्ड केस में आपका आएगा कैसे, 2,40,000 का इंटरेस्ट है। अब कंडीशन देखो, एक कंडीशन पूरी, दो कंडीशन पूरी, परचेज ही करा उसने और कंस्ट्रक्शन वाला सवाल नहीं है, तो थर्ड कंडीशन भी पूरी और फोर्थ मैंने क्या बोला है, मान के चलना है सर्टिफिकेट वाला हमेशा पूरी है। तो ये सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, बस 2,00,000। 2,00,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब भाई भले ही 2,40,000 हो, पर ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा, 2,00,000। तो ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीनों केसेस में, अगर आपके तीनों मान लिया आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब आपको करना है कि अगर मान लिया तीनों के तीनों हमने क्या मान लिए, डीम्ड लेट आउट। अगर डीम्ड लेट आउट है तो क्या केस है, अगर लेट आउट है तो हमें कैसे करना है, जैसे भी क्वेश्चन सोल्व करते आए हैं कैसे करते आए हैं, जीएवी निकालो पहले सबकी, क्या निकालो सबकी, जीएवी। तो जीएवी देखो कैसे निकलेगी, जीएवी कैसे निकलती है, एएलवी और एआरआर का हायर। अब एआरआर तो यहां पे निकलना इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि कोई भी रेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इस केस में आपकी जीएवी वही होती है जो आपकी एएलवी होती है, तो एएलवी निकालो सबकी। 2,00,000 और 81,000 का हायर 2,00,000, और एसआर नहीं दिया तो 2,00,000 का 2,00,000 मान लो बस 2,00,000। 3,00,000 और 3,40,000 का हायर 3,40,000, 3,40,000 और 3,60,000 का लोअर 3,40,000, 5,00,000 और 4,50,000 का हायर 5,00,000, 5,00,000 और 4,80,000 का लोअर 4,80,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया तीनों केस में जीएवी। आपको अब जीएवी के बाद क्या करना है, जीएवी के बाद आपको माइनस करना है आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो, 2,000, 3,000, 5,000, ये भी माइनस कर दिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, अब सॉरी गाइज, टेक्निकल इश्यू के कारण बीच में वीडियो पॉज हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया। आप एक बार फिर से समझ लो, मैंने आपको यहां तक समझा दिया था, जीएवी हमने ले ली थी 2,00,000, 3,40,000 और 4,80,000, ये हमने निकाल ली थी अपनी। उसके बाद हमने अपने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करे, वो दे रखे 2,000, 3,000 और 5,000, उनको माइनस कर दिया। उसके बाद हमारा ये आ गया एनएवी, ये एनएवी का अमाउंट आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना 30% का, अपना 30% का क्या करते हैं, सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, तो इनका 30% निकाला। और उसके बाद माइनस करते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अब इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इसमें कोई लिमिट होगी नहीं, लिमिट आपकी ओनली उसी कैटेगरी में जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे। तो देखो, जैसे हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड यहां पे माना था, तो अब हमने यहां पे लिमिट कंसीडर करी, पर यहां पे हम कोई भी लिमिट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। तो यहां पे पूरा का पूरा अमाउंट लेना है, 80,000, 2,00,000, 10,000, 2,40,000। तो इसके बाद जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा वो आपका ये अमाउंट आ रहा है। ठीक है गाइज, अब बात आती है, अब आपको क्या सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा और बाकी के दोनों जो होंगे वो डीम्ड लेट आउट होंगे। देखो, अब आप ये मानो, अगर मान लो आप पहला वाला मानते हो कि मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आप पहले वाला अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो आपकी इनकम कितनी आएगी, -80,000। और अगर पहला वाला ऑक्यूपाइड मानोगे तो बाकी दोनों आपको क्या मानने पड़ेंगे, डीम्ड लेट आउट, तो उनकी इनकम कितनी होगी, 25,900 और 92,500। तो देखो, इसमें प्लस कर दो 25,900 और 92,500। ठीक है, तो अब 92,500 और 25,900 प्लस करके और 80,000 माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा 12,500, 12 और 25 37, 38,400 आपका इसका आंसर आएगा, 38,400। सेकंड वाले केस में अगर आप सेकंड वाले को डीम्ड लेट आउट मानोगे तो उसमें सेकंड वाले को सॉरी अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो उसमें आपका आंसर आएगा 30,000 नेगेटिव। और अगर सेकंड वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो फर्स्ट और थर्ड क्या मानना पड़ेगा, डीम्ड लेट आउट, उनका आंसर आएगा आपका 58,600, 58,600 प्लस 92,500। तो इसका आंसर आएगा आपका, देखो 58 में से 30 गए, 28,600, 28,111,100, 1,11,100। हाँ, और अगर आपने थर्ड वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो आपका 2,00,000 नेगेटिव और बाकी फर्स्ट और सेकंड आपका डीम्ड लेट आउट माना जाएगा, तो आपकी उनकी इनकम आएगी 58,600 और 25,900। तो ये आपका हो जाएगा 50,70,83,84,500, 1,15,500, वो भी आएगा आपका यहाँ पे, देखो ये रहा 1,15,500 आ रहा है, वो भी आपका किस में आ रहा है, नेगेटिव में, ये भी आपका आएगा नेगेटिव में। तो अब ये बताओ, सबसे कम इनकम किस में आ रही है, थर्ड वाले में, और वो भी नेगेटिव।
तो सबसे बढ़िया बात है ना, क्यों बढ़िया है, क्योंकि थर्ड वाली आ रही है तो इसमें वो क्या करेंगे पता है आपको, थर्ड वाली अगर नेगेटिव आ रही है तो भाई इसमें करेंगे, यही चूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसमें इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये थर्ड वाला चूज करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी फर्स्ट और सेकंड क्या मान लेंगे, डीम्ड लेट आउट। तो हमेशा याद रखना जब भी ये क्वेश्चन है तो आपको देखना है सबसे कम इनकम किस में बन रही है टोटल मिला के, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। तो होप करता हूँ गाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आपकी 5 की 5 कैटेगरीज। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।